हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बहुत खुश और प्यारे होंगे। तो आज है जैन डायरीज का डे टू, व्लॉग टू। आज मैंने पहनी थी साड़ी और मेरे आज दो सपने पूरे होने वाले थे। पहला सपना था कि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट हो रहा था और दूसरा था कि साड़ी पहनना। उसके बाद हम लोग चले गए थे होटल से सीधा कॉरिडोर। हम लोग ने कॉरिडोर में एंट्री करी तो यार मेरे तो कॉरिडोर देख कर बहुत ही मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया। फिर हम लोग देख रहे थे नक्काशी और नक्काशी देखने के बाद हमने देखा था ये टेम्पल जो कि अंदर की तरफ था और बाकी यहाँ पर हनुमान जी और शिव शंकर जी की और अंदर क्या चल रहा है उसमें एलईडी में दिखा रहे थे, तो आप सब लोग भी देख सकते हो। कॉरिडोर काफ़ी अंदर तक बना हुआ था और बाहर एलईडी भी लगाई गई थी ताकि आप भोले बाबा के दर्शन बाहर से कर सको। कॉरिडोर काफ़ी सुंदर था। अंदर जाकर आपको अपनी चप्पलें, अपने फ़ोन वगैरह सब सबमिट कर देने हैं। उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़े से यहाँ पे व्लॉग में दिखाया था और हमने दर्शन करे। सॉरी मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकी क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने सब लोगों को दिखाया कि जो हम लोग सब साथ गए थे, और हमने दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा था तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया, मुझे काफ़ी सुंदर लगा। उसके बाद हम लोगों ने घूमने के बाद मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने। यहाँ पर 140 रुपये की थाली थी बट यहाँ पर भरपेट भोजन था तो आप लोग यहाँ पर बैठ कर भी खा सकते हो, सिंगल पर्सन ही खा सकते हो। उसके बाद हमने 5 मंदिरों में और दर्शन करे थे। गढ़काली का मंदिर और हमने यहाँ पर गाय को हमने चारा भी खिलाया था। और उसके बाद हमने देखा ये हवन कुंड जिसमें कि किसी ने शायद हवन किया हुआ था तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। हमने काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करे थे और बाकी 4 मंदिर के भी दर्शन करे थे जिसमें कि एक लाइब्रेरी भी थी भगवान जी की, बट मैं वो सब कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही थी। फिर जब इवनिंग हो गई तो हम इवनिंग में फिर से एक बार दर्शन करने आए थे मंदिर के, तो आप इसमें देख सकते हो कॉरिडोर जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी मॉर्निंग में। काफ़ी सुंदर लग रहा था यहाँ पर, बाकी सब लोग यहाँ पर फोटोग्राफ भी क्लिक करवा रहे थे और यहाँ पर बाहर एलईडीज़ भी लग रखी थी। जब हम लोग अंदर गए तो मैंने इस बार अंदर के लिए शूट किया था ताकि अंदर आप सब लोग भी देख सकें कि दर्शन कैसे हो रहे थे। और यहाँ पर नंदी भगवान के दर्शन हुए हैं और इसके जो ये गेट दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये ज्योतिर्लिंग बना हुआ था ज्योतिर्लिंग। मैं कोशिश करूँगी आपको इस वीडियो में दर्शन हो सके महाकाल भगवान के। इसमें थोड़े से मैं शूट कर सकी थी तो इसमें आपको थोड़े से दर्शन। उसके बाद जब आरती और उसके बाद जब हम बाहर निकले तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, और यार एक बाहर का मौसम शाम को तो बहुत ही अच्छा हो गया था। हमने फिर भारत माता मंदिर भी दर्शन करे और हम लोग जब गए थे भारत माता मंदिर तो अंदर जाकर वंदे मातरम भी हुआ था तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। वहाँ पर सब लोग एक देशभक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बाकी अंदर से कुछ मंदिर ऐसा था, यहाँ पर आपको पूरा इंडिया दिखाया गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। अंदर से भारत माता स्थापित थी और मंदिर कुछ अंदर से ऐसा था। मैंने पूरे मंदिर को इसमें शूट करने की काफ़ी कोशिश करी थी। इसलिए पहला ऐसा मंदिर था जहाँ पर हमें भीड़ कम मिली थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माता रानी के दर्शन हो रहे थे। और उसके बाद जब हम लोग थोड़ा से मंदिर से बाहर आए तो बाहर का व्यूज़ कुछ ऐसे था, काफ़ी सुंदर लग रहा था यहाँ से। देन हम लोग वापस कॉरिडोर की तरफ आ गए और यहाँ पर मैं फिर से कॉरिडोर को शूट कर रही थी क्योंकि हमने एक मंदिर, हमने माँ कालेश्वर भगवान के दर्शन एक दिन में 2 बार करे थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ गए थे और मैं फिर से शूट करने लगी थी। मैं ये सोच रही थी कि हम लोग जब एक दिन पहले आए थे तो हम लोग काफ़ी थक रहे थे, बट जब एक दिन हुआ 24 आवर्स में कितना कुछ चेंज हो जाता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। होप महाकाल भगवान में फिर से बुलाएँ यहाँ पर। उसके बाद हमने कुछ टेस्ट किया उज्जैन का फूड, दाबेली टेस्ट करी, आलू टिक्की टेस्ट करी, काफ़ी अच्छे थे, और गोलगप्पे भी खाए हमने। उसके बाद हम जाकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। मैं यहाँ पर ठेले वाले भैया की थोड़ा मेन्यू भी दिखाने लगी थी कि इनके पास ये था। उसके बाद हम लोग नमकीन, अगर हम उज्जैन आए और हमने हम लोग नमकीन ना खरीदे ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमने यहाँ पर नमकीन खरीदी थी। यहाँ पर काफ़ी वैरायटी की नमकीन थी। जब मेरी मम्मी पहले यहाँ पर आई थी तो हमें बताती हैं यहाँ की नमकीन अगर आपने टेस्ट नहीं करी, पोहा टेस्ट नहीं किया तो आपने क्या टेस्ट किया। और मेरी बहन को हर जगह के मोमोज खाना काफ़ी अच्छा लगता है तो उन्होंने टेस्ट किया। फिर हम लोग होटल आकर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।